हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों क्लास एट्थ एमपी बोर्ड इंग्लिश का सेवेंथ लेसन, जिसका टाइटल है, शीर्षक है वाटर वाटर एवरीवेयर। शीर्षक देखिए क्या है सेवेंथ लेसन का, वाटर वाटर एवरीवेयर, जिसका हिंदी अर्थ होता है हर जगह पानी ही पानी। तो पानी के बारे में संपूर्ण वर्णन इस लेसन में किया गया है। तो हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और जो भी आपके समझने लायक मीनिंग होगी उसका हम अर्थ बताएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ये वीडियो, ठीक, हिंदी अर्थ ही बताते चलेंगे। तो आप क्या करिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए, मेरी सहायता कीजिए, ठीक, और अपने दोस्तों की सहायता कीजिए जो भी आपके सहपाठी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना पहुँच जाएगी, वीडियो बन चुका है। तो इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि आपको इस पार्ट का हिंदी अर्थ चाहिए टोटल पार्ट का, तो आप लोग कमेंट में बताइए, व्हाट्सअप में बता सकते हैं कि हमको चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वीडियो बच्चों को पसंद होता है हम उस तरह के वीडियो बना देते हैं। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो देख रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो बना देते हैं, अर्थ नहीं बताते हैं। यदि आपको अर्थ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, तो हम अर्थ का बेहतरीन वीडियो हिंदी अर्थ का हिंदी मीनिंग से बना देंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्या है देखिए, फर्स्ट नंबर जो इसके टाइटल के पास दिया हुआ है, डू यू लाइक रेनी सीजन, क्या आप वर्षा ऋतु को पसंद करते हैं, क्या आपको वर्षा ऋतु अच्छी लगती है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, यस आई लाइक रेनी सीजन। सेकंड नंबर क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन इट रेन्स हैवली, क्या होता है जब बहुत ही हैवी अर्थात बहुत ही तेज वर्षा होती है तो क्या होता है। तो इसके टोटल आंसर आपको आगे मिलने वाले हैं, इसी से संबंधित पूरा पार्ट है। और अगला नंबर क्या है, थर्ड नंबर देखिए, व्हाट विल यू डू इन केस देयर इज ए फ्लोड, अर्थात बाढ़ की स्थिति में आप क्या करोगे। तो इसका भी आंसर आपको आगे मिलने वाला है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये रहे आपके सामने इसके एक्सरसाइजेस जो हैं एक्सरसाइजेस। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो, ठीक। तो इसमें आपको हिंदी मीनिंग लिखनी है, जितने भी इंग्लिश में दिया हुआ है इसका खोज कर हिंदी मीनिंग लिखनी है। चलिए चलिए इसको हम लोग करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या दिया है, क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बादलों का फटना। कॉप विथ का मतलब होता है, देखिए कॉप विथ का मतलब होता है संयोग करना। डिजास्टर का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। ड्राउन का मतलब होता है डूब जाना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों का विनाश। वनों का जब विनाश होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अगला नंबर है प्रिफरेबली, प्रिफरेबली का मतलब होता है प्राथमिकता से। नेक्स्ट है आपके सामने एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का मतलब नदी मार्ग में अतिक्रमण, नदी मार्गों को अवरुद्ध करना, उसको अतिक्रमण करना, ठीक, उसको रोकना। एपिडेमिक्स का मतलब होता है महामारी, एपिडेमिक्स का मतलब होता है महामारी। पैनिकी का मतलब होता है घबराना। फॉरबिड का मतलब हिंदी अर्थ होता है, फॉरबिड का निषेध करना। अगला नंबर है बच्चों वेटरिनरी, वेटरिनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सा संबंधी। लास्ट है मीनिंग कीप एन आई, कीप एन आई का मतलब होता है हिंदी अर्थ होता है निगरानी रखना, किसी चीज़ में निगरानी रखना, देखना उसको। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या आपका वर्ड पावर, वर्ड पावर में जो भी क्वेश्चन चलिए करते हैं। तो वर्ड पावर में क्या बोल रहा है, होमोफोन्स आर पेयर्स, होमोफोन्स का मतलब होता है जिनकी ध्वनि समान हो, इनको बोला जाए तो उनको बोलने में क्या लगे जैसे समान ध्वनि वाले शब्द हों, तो उनको क्या बोलते हैं होमोफोन्स इंग्लिश में उनको बोलते हैं। और उनकी स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग और उनका हिंदी मीनिंग भी अलग अलग होता है, लेकिन बोलने में वो एक समान होते हैं। जैसे हियर और हियर दोनों को बोल रहे हैं, इसकी भी स्पेलिंग दूसरी है और इसकी भी स्पेलिंग दूसरी है, और हिंदी मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। तो देखिए क्या करना है, इसमें होमोफोन्स आर पेयर्स ऑफ वर्ड दैट द प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स, तो ठीक। तो इसका हिंदी मीनिंग, कुछ समान ध्वनि वाले ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक सा होता है परंतु अर्थ
अलग अर्थ और जो उनकी स्पेलिंग होती है वो अलग अलग होती है। तो देखिए इसका आगे आपको दिया हुआ है, तो इसमें लिखना है क्या लिखना है, देखिए, नाउ राइट द होमोफोन्स फॉर दिस वर्ड। नीचे दिए हैं जो शब्द दिए हुए हैं इनको, इनके क्या लिखना है, समान ध्वनि वाले शब्द इनके सामने लिखना है। तो आपका फर्स्ट नंबर का हो जाएगा, देखिए स्टिल का मतलब स्टिल, तो ऐसे शब्द लिखना है जिनको बोलने पे समान हो लेकिन उनका अर्थ और स्पेलिंग अलग अलग हो। हम आपको बता चुके हैं कि होमोफोन्स का मतलब यही होता है, इसमें इसको याद कर लीजिए, ये मोस्ट है, ये आपको बहुत काम आने वाला है, तो इसको ध्यान में रखिए। तो स्टील यानी होता है लोहा, यहाँ स्टील यानी क्या होता है, लोहा होता है, और एक स्टील होता है, स्टील यानी क्या होता है, चुराना, उसके सामने लिखेंगे। सेकेंड नंबर है ड्यू, ड्यू का मतलब होता है दे, और ड्यू डी ई डब्ल्यू उसको भी ड्यू बोलते हैं, वो क्या होता है, ओस की बूंद होती है। न्यू का मतलब होता है, न्यू का मतलब होता है जानता था। अगला क्या था नंबर, न्यू के एन ई डब्ल्यू, न्यू जानता था। तो न्यू के समान ध्वनि वाला शब्द इसके सामने देखें, एन ई डब्ल्यू, न्यू यानी अर्थ होता है नया। ठीक, अगला नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर वे, डब्ल्यू ए वाई, वे यानी होता है रास्ता, गली रास्ता। ठीक, और बी ए वाई, इसके समान ध्वनि वाला शब्द क्या है, बी ए वाई, वे यानी क्या होती है, खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बी ए वाई। ठीक, अगला नंबर देखते हैं, पांचवा नंबर अलाउड, अलाउड का मतलब होता है जोर से। ठीक, अलाउड का मतलब क्या होता है, जोर से, और इसके समान ध्वनि वाला जो शब्द है अलाउड, अलाउड ए डबल एल ओ डब्ल्यू ई डी, अलाउड यानी अनुमति प्रदान की। ठीक, सिक्स नंबर देखिए, पैन, पी ए आई एन, पैन, पैन यानी क्या होता है, कष्ट या दर्द। ठीक, कष्ट या दर्द होता है, और पी ई एन, इसके समान ध्वनि वाला शब्द इसके सामने है, पी ई एन, पेन यानी कलम होता है। सेवन्थ नंबर देखिए, सेवन्थ लास्ट नंबर, आवर, आवर यानी ओ यू आर, आवर यानी हमारा, और एच ओ यू आर, और आवर यानी उसको भी ध्वनि क्या होती है, समान होती है, जिसको इसको भी आवर बोला जा रहा है, ओ यू आर, और एच ओ यू आर, आवर यानी घंटा, जो घड़ी का टाइम होता है, घंटा, एच ओ यू आर, और यानी क्या होता है, घंटा, समान ध्वनि है इसकी भी। तो ये रहे आपके इसके आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके लेसन सेवन का, क्या देखिए, ए नंबर, आंसर द फॉलोइंग के कॉम्प्रहेंशन में है, बोध प्रश्नों में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर बोल रहा है, व्हाट इज ए डिजास्टर, अर्थात डिजास्टर क्या है, प्राकृतिक आपदा क्या होती है। तो आंसर है इसका, डिजास्टर मीन एन अनएक्सपेक्टेड नेचुरल क्लेमिटी, अर्थात डिजास्टर का अर्थ होता है एक अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा। ठीक, तो इसको आप नोट्स में इसी तरह से लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों आपके सामने, व्हाट आर एपिडेमिक्स, अर्थात महामारी क्या होती है। ठीक, तो इसका आंसर है क्या, आंसर सेकंड का देखें, एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शन डिजीज विच स्प्रेड आउट बाय मीन्स ऑफ वाटर फूड एंड एयर, अर्थात महामारी संक्रमण बीमारी होती है। संक्रमण बीमारी कौन सी होती है, देखिए संक्रमण वाली संक्रामक बीमारी वो होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलती है, जैसे कोरोना वायरस इस समय पर चल रहा है, तो एक संक्रामक बीमारी, उसको क्या बोलते हैं, संक्रामक बीमारी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, बीमारी होती है। इसका अर्थ देखिए, महामारी संक्रामक बीमारी होती है जो पानी, भोजन और हवा के द्वारा फैलती है। अगला नंबर देखते हैं, थर्ड प्रश्न, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, अर्थात बाढ़ों के दुष्प्रभाव क्या हैं। आंसर है थर्ड का, आप वीडियो को रोककर आसानी से लिख लीजिए और उसके बाद वीडियो चला के आगे भी देख सकते हैं, और ये वीडियो यूट्यूब में सेव रहता है, आप कई बार इसको देख सकते हैं। तो आप हमारे लिए ये भी करिए कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए फ्री में इतना मेहनत करते हैं, तो आप फ्री में हमारे लिए इतना कर सकते हैं। तो आप लोग थर्ड का आंसर लिखिए कि द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड आर डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एपिडेमिक्स एंड सोयल इरोजन।
अर्थात इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ बच्चों, जीवन और संपत्ति का विनाश महामारी और मृदा अपरदन बाढ़ों के विनाशकारी प्रभाव होते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स, अर्थात बाढ़ों के लिए मनुष्य किस प्रकार उत्तरदायी है, इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो इसका आंसर होगा ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का अर्थ हम आपको बता चुके हैं, वो सब आपको आपको काम आने वाले हैं, उसको आप जरूर याद करिए मीनिंग को, ठीक है। कि जितने भी पार्ट होते हैं उनकी मीनिंग को जरूर आप लोग समझ के याद किया करिए और उसको अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वह बहुत ही काम आने वाले हैं, आज नहीं और कल, आज ही नहीं वो कल भी काम आएंगे, ठीक। डिफॉरेस्टेशन आगे है, डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रिजेस इन एम्बैकमेंट्स विच कॉज फ्लड्स, अर्थात मनुष्य वन विनाश, दोषपूर्ण बांध निर्माण तथा नदी मार्गों का अतिक्रमण करने के लिए जिम्मेदार है, जो बाढ़ों के कारण होते हैं। तो बाढ़ों के कौन कौन से कारण होते हैं, वनों का विनाश करना, वनों को काटना और बांधों का निर्माण, दोषपूर्ण बांधों का निर्माण होता है, नदी मार्गों को का अतिक्रमण करना। इसलिए मनुष्य को इस तरह के काम नहीं करना चाहिए, प्रकृति को हानि नहीं पहुँचाना चाहिए। फिफ्थ नंबर प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, देखिए, हाउ इज अवर लाइफ इन्फेक्टेड बाई फ्लड्स। तो इसका आंसर लिखिए आप लोग, फ्लड्स मेक अवर लाइफ डिफिकल्ट, दीज डिस्ट्रॉय अवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, दीज आल्सो बीइंग इन्फेक्शियस डिजीज विथ देम लाइक कॉलेरा, मलेरिया और डायरिया। अर्थात इसका हिंदी मीनिंग देखिए, बाढ़ें, अर्थात जो बाढ़ें आती हैं, बाढ़ आती हैं नदियों में, बाढ़ें हमारे जीवन को कठिन बना देती हैं, ये हमारे जीवन और संपत्ति को नष्ट कर देती हैं, ये अपने साथ हैजा, मलेरिया तथा डायरिया जैसी संक्रामक बीमारियां लाती हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि बाढ़ों के बाद बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, वो यही कारण होता है, बाढ़ों का कारण होता है। अर्थात जो भी बीमारियां फैलती हैं उनका मुख्य कारण क्या होता है, उनका मुख्य कारण जो आने वाली बाढ़ होती है नदियों में, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके इस लेसन का बी नंबर, देखें इसका कॉम्प्रिहेंशन ए नंबर कर चुके हैं। बी नंबर क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द मेजर्स टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग ए डिजास्टर लाइक फ्लड्स, अर्थात बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो आइए लिखते हैं नोट इसका, बी नंबर का आंसर है, नोट है इसका, देखिए, इफ़ देयर इज फ्लोट वी शुड ऑलवेज कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोटेड रिवर, इफ़ योर हाउस इज इन डेंजरस वी शुड लीव द हाउस एंड मूव आउट इमीडिएटली टूवर्ड्स ए हायर एंड सेफर प्लेस, इट इज़ बेटर टू शिफ्ट ए कॉन्क्रीट हाउस लाइक ए स्कूल बिल्डिंग, ए टेम्पल और ए ग्राम पंचायत भवन, वी शुड टेक सम ईटेबल अर्थात कुछ खाने, क्लॉथ्स जरूरी कपड़े क्लॉथ्स एंड ए टॉर्च और कैंडल्स, माचिस बॉक्सेस एंड अदर इसेंशियल आइटम्स विथ अस। तो इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं, यदि बाढ़ है तो हमें हमेशा बाढ़ युक्त नदी से सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहिए, यदि हमारा मकान खतरे में है तो हमें तुरंत मकान छोड़कर किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान की तरफ चले जाना चाहिए, या अधिक अच्छा होगा कि हम किसी पक्के मकान अर्थात कंक्रीट से बना हुआ जैसे शाला भवन, मंदिर या ग्राम पंचायत भवन में चले जाएं। हमें अपने साथ कुछ खाने योग्य वस्तुएं, कपड़े, टॉर्च तथा मोमबत्तियां, माचिस की डिब्बियां तथा अन्य आवश्यक चीज़ें ले जाना चाहिए। तो ये इस इंग्लिश का हिंदी मीनिंग रहा आपके सामने। अब सी नंबर देखते हैं क्या है, सी नंबर है बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर, अर्थात पीने के पानी को शुद्ध बनाने के कौन कौन से विभिन्न तरीके हैं। तो इसका आंसर लिखिए, वी शुड यूज क्लोरीन टैबलेट्स और बॉइल वाटर टू प्यूरीफाई ड्रिंकिंग वाटर, अर्थात
पीने के पानी को शुद्ध बनाने के लिए हमें क्लोरीन की गोलियों का उपयोग करना चाहिए अथवा पानी को उबाल लेना चाहिए गर्म करके, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है, पीने लायक हो जाता है। उसमें से जो हानिकारक कचरा होता है, हानिकारक पदार्थ होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे ही पीने लायक पानी बनाया जाता है। तो ये टोटल क्वेश्चन रहे इस पार्ट के बच्चों आपके सामने, तो आप इसको फैला दीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए फ्री में, वो भी वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सके, और जो नहीं जानते हैं आसपास उनको भी जोड़िए चैनल में, हम आपको फ्री में बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करवाते हैं। यदि आप लोगों का कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा कि इसका हिंदी मीनिंग इस पार्ट का बताया जाए, तो हम उसका भी वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।